किराएदार बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना बाबा। तू उठता है या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकू? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या आप वापस का बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू वैसे नहीं मानेगा, रुक मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, अब क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा, 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहाँ रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ बस। ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, उसकी दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी जल्दी से गाना लगा दो, बहुत